दोस्तों, आप सबका स्वागत। और आज एक कविता लिख डाली मैंने। अब क्योंकि देखो, आदमी को सभी काम करने चाहिए। कविता बहुत दिन हो गए लिखी ही नहीं, हमने लिख ली और कभी जिंदगी में लिखी भी नहीं। अब जैसा भी बना हमने लिख दिया, अब जो लिख दिया वो आपको ही सुनाऊंगा ना मैं। और कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, आप ही सुनेंगे। जो कमी है बताएंगे, जो अच्छी बात है वो भी बताएंगे। हाँ सुनिए, एक बच्चा है जो एक खिलौने के लिए बहुत जोर से रोता है। माता ने पुचकारा, पापा ने घूरा, कोई असर नहीं। एक बच्चा है जो एक खिलौने के लिए बहुत जोर से रोता है। आगे सुनो, खिलौना तो लाना ही होगा, बालक का मन रखना ही होगा। तोड़कर दो दिन में फेंक देगा, फिर जिद करेगा, उसको मालूम नहीं। बच्चा ही तो है, मेरी पॉकेट में 10-10 के 3 बचे हैं, क्या मैं भी दहाड़े मार कर रोऊं। एक बच्चा है जो एक खिलौने के लिए बहुत जोर से रोता है। आगे सुनिए आप, मैं बाजार गया, एक दुकानदार खिलौने सजाए बैठा था। बहुत समय से कोई आया नहीं था, न एक पैसा कमाया। मैंने कहा राम राम, उसने 32 दांत निपोर दिए। बैठिए बैठिए जी, खिलौने दिखाऊं, बालक है या बेबी। मेरी धड़कन बढ़ गई, मैंने कहा कोई 20-30 वाला। वह उदास हो गया, रोने लग गया, अब मैं क्या करूं। इसको चुप कराया, घर जा मुन्ने को चुप करूं। घर पहुंचा, बीबी आई, ले आए खिलौना। मैं कटे पेड़ की तरह कुर्सी पर बैठ गया, एक बच्चा ही था। आगे सुने आप, बच्चा भी समझ गया, माँ बाप को टुकुर टुकुर देखने लगा। कुछ बात है उसको समझने लगा, जब कुछ समझा तो रोना बंद किया। चुपचाप हो गया, थोड़ी देर में हंसने लगा, पुराने खिलौने ढूंढने लगा। अब जिद नहीं करता, सयाना हो गया, आखिर बच्चा ही तो है। एक बच्चा खिलौने के लिए बहुत जोर से रोता है। दोस्तों, आपको ये कविता अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।